सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आईपीएल 2021 का 16वां मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खत्म हो गया है, जहां पे दोस्तों इस मैच के बाद आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में काफी बदलाव हुआ है, काफी उतार चढ़ाव हुआ है। साथ ही दोस्तों ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी काफी बदलाव हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल बताने वाला हूँ आरसीबी और आरआर के मैच के बाद, साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की अपडेट भी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं, आरसीबी या आरआर में से किसी टीम के फैन हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आरसीबी और आरआर के बीच खेले गए आईपीएल के 16वें मैच में आरसीबी की टीम ने काफी शानदार तरीके से जीत हासिल की है। तो दोस्तों अब आईपीएल 2021 के लेटेस्ट पॉइंट टेबल की बात करें आरसीबी और आरआर के मैच के बाद, तो वो कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे दोस्तों पॉइंट टेबल में फिलहाल 8वें नंबर पे है संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिन्होंने दोस्तों अब तक 4 मैच खेले हैं, 1 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, इनके 2 पॉइंट्स है और इनका नेट रनरेट इस मैच में हार के बाद काफी माइनस हो गया है, जो कि दोस्तों -1.011 है। वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पे है केएल राहुल की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम, जिन्होंने दोस्तों अब तक 4 मैच खेले हैं, 1 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, इनके 2 पॉइंट्स है और इनका नेट रनरेट है -0.824। तो दोस्तों इन दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ्स का रास्ता अब बहुत ही कठिन हो गया है। उन्हीं के साथ दोस्तों पॉइंट टेबल में 6वें नंबर पे है एन मॉर्गन की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिन्होंने के दोस्तों अब तक 4 मैच खेले हैं, 1 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, इनके 2 पॉइंट्स है और इनका नेट रनरेट है -0.700। तो दोस्तों प्लेऑफ्स का रास्ता इस टीम के लिए भी काफी मुश्किल होने वाला है। वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पे है डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिन्होंने के दोस्तों अब तक 4 मैच खेले हैं, 1 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, इनके 2 पॉइंट्स है और इनका नेट रनरेट है -0.228। तो वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल में 4थे नंबर पे है हिटमैन रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम, जिन्होंने दोस्तों अब तक 4 मैच खेले हैं, 2 मैच जीती है, 2 मैच हारी है, इनके 4 पॉइंट्स है और इनका नेट रनरेट है +0.187। तो वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल में 3रे नंबर पे है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिन्होंने दोस्तों अब तक 4 मैच खेले हैं, 3 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, इनके 6 पॉइंट्स है और इनका नेट रनरेट है +0.426। तो वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल में 2रे नंबर पे है एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जिन्होंने दोस्तों अब तक 4 मैच खेले हैं, 3 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, इनके 6 पॉइंट्स है और इनका नेट रनरेट काफी अच्छा है, जो कि +1.142 है। वहीं दोस्तों आज के दिन खेले गए मैच में जीत के बाद पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे आ गई है विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम, जिन्होंने के दोस्तों अब तक 4 मैच खेले हैं और चारों के चारों मैच इस टीम ने जीते हैं, इनके 8 पॉइंट्स है और इनका नेट रनरेट भी अभी काफी सुधर गया है, जो कि +1.009 है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल। अब दोस्तों ऑरेंज कैप की बात करें, यानी टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की बात करें, तो दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पे है दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन 231 रनों के साथ। वहीं दोस्तों पर्पल कैप की बात करें, यानी टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की बात करें, तो दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पे है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हर्षल पटेल 12 विकेटों के साथ। तो दोस्तों अभी हर्षल पटेल काफी अच्छी स्थिति में पर्पल कैप की लिस्ट में पहले नंबर पे बने हुए हैं। तो दोस्तों ये था आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल, साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की अपडेट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।